Okay, I think most of you have joined my class. So, हम शुरू करते हैं। जी बेटा, तो ये एक आंसर है कासिम की तरफ से कि एक मिनट। हाँ, वेरी गुड अब्दुल्ला, काफ़ी करीब आपने बताया है। हाँ ठीक है, हसन का भी कुछ ठीक है। हाँ, मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप सारे मतलब काफ़ी करीब करीब हैं। देखिए, इसका मतलब ये है कि जब मैं बात करूँगा लिंगरांजन की, किसकी बात करूँगा? लिंगरांजन की। तो लिंगरांजन में जो चेंज है वो सारी की सारी किसमें आ रही है? सिंगल वेरिएबल में। तो इसका इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस डी को कह सकता हूँ ना एग्जैक्ट डेरिवेटिव। क्या? एग्जैक्ट डेरिवेटिव, या ठीक है, एग्जैक्ट यानी पूरे का पूरा डेरिवेटिव जो है ना उसके लिए हम डी लगाते हैं, और आधे डेरिवेटिव के लिए यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव के लिए, पार्शियल का मतलब आधा होता है ना, जुजवी तौर पे कुछ वो कुछ वो, तो जुजवी तौर के लिए हम क्या लगाते हैं? पार्शियल। तो जब हम लिग्रांजियन की बात करते हैं तो उसमें चूंकि विद रिस्पेक्ट टू सिंगल वेरिएबल आ रहा होता है सारा कुछ, तो इसलिए हम उसमें जस्ट डेरिवेटिव, क्योंकि उसमें और वेरिएबल तो है ही कोई नहीं। तो जब हम आयलेरियन की बात करते हैं, जब हम आयलेरियन की बात करते हैं, यार एक तो ना ये जो बच्चे बार बार आते हैं ना, कल से मैंने इनको एडमिट नहीं करना क्लासरूम के अंदर। ठीक है, तो ठीक है, तो जो हमारे पास एग्जैक्ट डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास सिंगल फॉर्म में आता है। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि मेरे पास पार्शियल है कि कुछ उसमें कुछ टाइम में और कुछ स्पेस में, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? कुछ टाइम में और या कुछ स्पेस में। तो उसके लिए फिर मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास जो कंडीशन है वो बनेगी कौन कौन सी? वो कंडीशन बनेगी मेरे पास है पार्शियल वाली। ठीक है, तो जो लेग्रांजियन अप्रोच है, जो लेग्रांजियन अप्रोच है, चूंकि उसमें विद रिस्पेक्ट टू सिंगल वेरिएबल आ रही होती है, उसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो डी की फॉर्म में बनेगा, और जो आयलेरियन अप्रोच है उसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो बनेगा आपके पास पार्शियल। अब देखिए, आयलेरियन अप्रोच है लेट्स सपोज अगर मेरे पास, ठीक है, अब इसके मैं सिंपली आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको बिल्कुल समय लग जाएगा। मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो टोटल डेरिवेटिव है, टोटल आइलेरियन के लिए बड़ा डी आता है बेटा, ये याद रख रहा है, जो मेरे पास टोटल डी वी बाई डी टी था, ठीक है, वो मेरे पास किसके बराबर था? वो पार्शल वी बाई पार्शल टी प्लस पार्शल वी बाई पार्शल एक्स प्लस पार्शियल वी बाई पार्शियल वाई प्लस पार्शियल वी बाई पार्शियल जी। अब मैं कहता हूँ कि यार मेरा फ्लो है स्टडी, तो स्टडी स्टेट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम कोई चेंज नहीं आती, तो ये टर्म उड़ गई। अब मैं कहता हूँ कि मेरी चेंज जो है उस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर ना वाई में आ रही है, सपोज करता हूँ, ना जी में आ रही है, तो मेरे पास जो टोटल टोटल जो विलासिटी है वो किसके बराबर आई? वो आई पार्शियल वी बाई पार्शियल एक्स। अब जब ये सपोजिशन लगाने के बाद अब जब ये सिंप्लीफाई हुआ है तो बेसिकली ये रिलेशन गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने इसको पार्शल लिखा हुआ, जबकि ये ओरिजिनली कैसे लिखा जाना चाहिए? ये लिखा जाना चाहिए डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ठीक, अब ये ठीक है, वो पार्शल अब किसमें कन्वर्ट हो गया? पार्शल अब कन्वर्ट हो गया डी के अंदर। क्यों कन्वर्ट हुआ? उसकी रीजन है कि जब मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो ना, मोर देन वन, ये रूल याद रख रहे हैं, जब मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
then you are moving toward partial derivative. अब ये देखो कि यहाँ पे ऊपर वाला तो सेम है, तीनों में सेम है, v v v ऊपर वाला तीनों में सेम है, लेकिन नीचे वाला डिफरेंट है, x y एंड z नीचे वाला डिफरेंट है. अब नीचे वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो अगर नीचे वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं, तो मैं क्या कहूँगा, अगर मोर देन वन वेरिएबल आ रहे हैं तो मैं क्या कहूँगा कि मेरे पास वो कौन सी अप्रोच है, ऑयलेरियन अप्रोच है. और अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास जस्ट सिंगल वेरिएबल है, तो मैं उसको क्या कहूँगा, मैं उसको कहूँगा कि अगर वो सिंगल वेरिएबल है तो मेरे पास वो लैग्रांजियन अप्रोच है. ठीक हो गया. तो लैग्रांजियन और ऑयलेरियन की आपको समझ लग गई. अब इन दोनों के अंदर जो म्यूचुअली ट्रांसपोर्ट करता है हमें, वो होता है आरटीटी. वो क्या होता है, आरटीटी. ठीक है, आरटीटी की एक मेरी वीडियो पड़ी हुई है इसकी फिजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो मैं साथ एक लिंक शेयर कर दूंगा, वो आपको उसके अंदर उसकी सारी समझ लग जाएगी. ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूँ कि अब अगर मेरे पास एक कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है, अब एक कंट्रोल वॉल्यूम के ऊपर मैं दो तरह की सपोजिशन लगा सकता हूँ. ठीक है, पहली सपोजिशन क्या है कि अगर मैंने ऑयलेरियन अप्रोच कंसिडर की है, नंबर वन ऑयलेरियन अप्रोच कंसिडर की है, तो इसका मतलब क्या है कि आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्रोल वॉल्यूम, आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्रोल वॉल्यूम. तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो पानी या जो चीज़ मेरी इस कंट्रोल वॉल्यूम में से जैसे बिहेव करके गुजरेगी ना, मैं ये सपोज करूंगा कि ओवरऑल जो वो नहर है जिसके अंदर मैंने इसको सपोज किया हुआ है, वो भी सारे के सारे ऐसे ही बिहेव करेगी. तो ये कंट्रोल वॉल्यूम के ऊपर मेरी दो सपोजिशन हो सकती है एनालिसिस के लिए. नंबर वन क्या है कि मेरा कंट्रोल वॉल्यूम इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है. ठीक है, और दूसरा है कि इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है, यानी कि इतना छोटा मैंने लिया हुआ है कि वो बस इतना छोटा कि मैं बस उसके ऊपर एनालिसिस कर सकता हूँ, और कंट्रोल वॉल्यूम जो है वो कंसिडरेबली लार्ज. ठीक है, अब अगर तो मैंने अपना कंट्रोल वॉल्यूम जो है वो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल लिया हुआ, मतलब मैं डब्बा इस तरीके का कुछ सपोज कर रहा हूँ. ठीक है, तो अब इस तरह के जब मैं इनफाइनाइटेसिमली कंट्रोल वॉल्यूम की बात करूँगा, तो इट मींस कि आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल. ठीक है, तो इस स्मॉल पार्टिकल के जो मैथमेटिकल रिलेशंस बनेंगे ना, वो बनेंगे इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल, इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल. ठीक है, और अगर मैंने कंसिडरेबली लार्ज कंसिडर किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये एक डब्बा है, तो उसमें मेरी सपोजिशन ये होगी कि डब्बा विद इन डब्बा. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के कितने पार्टिकल छोटे इस डब्बे बड़े डब्बे के अंदर आएंगे, किसको सारे के सारे फिल करेंगे, तो वो होंगे इनफाइनाइट. ठीक है, तो मतलब अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे पास ये एक कंटेनर है, तो इसका एक पॉइंट जो है दैट इज पार्शियल की फॉर्म में, और इस तरह के अगर ये कंट्रोल वॉल्यूम हो गए इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल कंट्रोल वॉल्यूम, और इस तरह के कितने कंट्रोल वॉल्यूम मैं इस डब्बे के अंदर कंसिडर करूँ कि मेरे पास कंसिडरेबली लार्ज कंट्रोल वॉल्यूम कवर होगा, तो वो मेरे पास उसके जो रिलेशंस होंगे ना, वो इन दी फॉर्म ऑफ बनेंगे इंटीग्रल की फॉर्म में. किसकी फॉर्म में, इंटीग्रल की फॉर्म में. ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपने फ्लूइड डायनेमिक्स 2 के अंदर याद रखनी है कि जब भी आपके सामने एक रिलेशन आता है पार्शियल की फॉर्म में, ठीक है, तो आपने उसमें ये आपको पता होना चाहिए कि वो जो पार्शियल की फॉर्म में होगा वो, बेटा कोई नहीं, ये मैं आपके साथ ना हारून ये रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, तो आप उसमें से इसको ना रीटेक ले लेना लेक्चर का. ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं, तो आपके सामने दो तरह के रिलेशंस आएंगे. ये मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ. ठीक है, ये चैप्टर में देखिएगा, पूरी फ्लूइड डायनेमिक्स 2 में ना आपके सामने दो तरह के रिलेशंस आएंगे. देखें, अब इस रिलेशन में अगर आप देख पाएं, तो इस रिलेशन में अगर आप लोग देख पाओ कि
यहाँ पे इंटीग्रल वाला रिलेशन है, ठीक है, कौन से वाला है, इंटीग्रल वाला, ठीक है। और अगर मैं इसको मजीद आगे लेके चलूँ तो इसका मतलब क्या होगा कि इसने कौन सा कंट्रोल वॉल्यूम कंसिडर किया होगा, कंसिडरेबली लार्ज, जिसमें टाइम प्लस स्पेस में, मैं आगे मतलब जब आप मेरी कंट्रोल वॉल्यूम वाली वीडियो देख लेंगे ना, देन आपको इसकी समझ लगेगी बेसिकली ये इंटीग्रल है क्या, ठीक है। तो ये बेसिकली ये सी एस से आपने याद रख रहे हैं, दिस इज कंट्रोल सरफेस, कंट्रोल सरफेस, कंट्रोल सरफेस का मतलब है कि मैं इस एक सरफेस की बात कर रहा हूँ, मैं इस एक सरफेस की बात कर रहा हूँ। तो ये इस तरह की कितनी सर्फेसिज हैं, इसकी 6 सर्फेसिज हैं जिसकी मैं बात करूँगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसकी बाउंड्रीज की बात कर रहा हूँ ना, डेफिनेटली अगर एक मेरे पास अगर एक क्यूब है तो उसकी एक बाउंड्री है, ठीक है। तो अगर मैं बाउंड्रीज की बात कर रहा हूँ तो ये वाला जो इंटीग्रल है ये बाउंड्रीज के अंदर चेंज बता रहा होता है, और ये वाला विद इन कंट्रोल वॉल्यूम हमें चेंज बता रहा होता है। तो अगर इसमें पार्शल, इसका मतलब ये हुआ कि ये बाउंड्री का मैंने आपको बताया था कि बाउंड्री स्पेस को डील करती है, और विद इन कंट्रोल वॉल्यूम, और दूसरी टर्म कौन सी होती है, टाइम वाली। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अब इसमें टाइम प्लस स्पेस दोनों वाली टर्म आ गई है ना, टाइम प्लस स्पेस, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो ये फाइनल हो गया कि ये आयलेरियन अप्रोच है, ठीक है, आयलेरियन अप्रोच। अब आयलेरियन अप्रोच के अंदर, अब आयलेरियन के आगे दो चीज़ें हैं, या तो वो पार्शल की फॉर्म में होगा या वो इंटीग्रल की फॉर्म में होगा। पार्शल की फॉर्म में जब आएगा तो इसका मतलब ये कि कंट्रोल वॉल्यूम, ये वाला जो कंट्रोल वॉल्यूम है उसने कैसा सपोज किया हुआ है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। और अगर वो इंटीग्रल की फॉर्म में आएगा तो इसका क्या मतलब है कि उसने कंसिडरेबली लार्ज। तो अब ये वाले रिलेशन जो है ये इंटीग्रल की फॉर्म में है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कंसिडरेबली लार्ज कंट्रोल वॉल्यूम उसने सपोज किया हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा आगे दिखा पाऊँ, देखें, ठीक है, ये देखिए, अगर आप ये सारे इंटीग्रल वाले आ गए, अब ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, यूजिंग इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कंट्रोल वॉल्यूम। तो अब जरा सोचें कि इसके रिलेशंस कैसे बनने चाहिए, इंटीग्रल की फॉर्म में आने चाहिए या पार्शियल की फॉर्म में आने चाहिए। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, ये देखें, अब इसमें सारे का सारा पार्शियल चल रहा है, सारे का सारा क्या चल रहा है, पार्शियल चल रहा है। आई होप कि अब आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हो, ये जो रिलेशन है ये आरटीटी को, ये आरटीटी ही है, ये वाली जो इक्वेशन है ना, दिस इज बेसिकली आरटीटी, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है आरटीटी की, ठीक है, आरटीटी की, उसमें प्रूफ नहीं है, उसका मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, लेकिन जस्ट इसकी अंडरस्टैंडिंग है कि ये इक्वेशन बनी कैसे है, ठीक है। वो वीडियो आपने मेरी ये रिकॉर्डिंग सुनने से पहले देखनी है, ठीक है, वो मैं आपको इसकी फर्दर गाइडलाइन दे दूंगा, वो सुनने के बाद देन आपको 9.1 की समझ लगेगी इक्वेशन की, ठीक हो गया। तो अब हमने जितना पढ़ा है, मैं थोड़ा सा इसको समराइज करके फिर हम आगे चलते हैं इसको, कि हमने अभी तक क्या किया है, ठीक है। सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स से हमने अब फ्लूइड मैकेनिक्स 2 स्टार्ट की है। तो इट मीन्स के वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लूइड डायनामिक्स, किसकी बात कर रहे हैं हम, फ्लूइड डायनामिक्स। अब फ्लूइड डायनामिक्स की जब बात करेंगे तो फिर चीज आती है कि फ्लूइड डायनामिक्स, डायनामिक्स कंडीशन में अगर एक फ्लूइड चल रहा है तो आई वांट टू कंसीडर या आई वांट टू मेजर इट्स प्रॉपर्टीज, मतलब मैं उसकी वेलोसिटी मेजर करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, मैं उसकी प्रेशर मेजर करने में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। तो अगर एक मेरा कंटिन्यूस मॉडल है, कंटिन्यूस फ्लो है, और मैं उसकी प्रॉपर्टीज मेजर करना चाहता हूँ, तो मेरे पास वेज कितने हैं, दो वेज है, या तो मैं एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकता हूँ, या मेरे पास कोई ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन हो कि मैं उस मैथमेटिकल इक्वेशन में वैल्यूज पुट करूँ और वो चीज़ें मुझे वैल्यूज दे दें, ठीक हो गया। जस्ट लाइक ऐसे कि मैं बात करता हूँ कि जैसे आप कैलकुलेटर के ऊपर 2 अंडर रूट फाइंड करते हो, तो 2 अंडर रूट में आप पिछली क्लासेस के अंदर ये सीखते हो कि 2 अंडर रूट लेना कैसे है, लेकिन अगली बड़ी क्लासेस में आप जस्ट 2 अंडर रूट अप्लाई करते हो, ठीक है। तो सिमिलरली ये जो फ्लूइड डायनेमिक्स 2 का है, ये आपको उन इक्वेशंस के बारे में बताएगा, उन मैथमेटिकल मॉडल्स के बारे में बताएगी ये इक्वेशन नंबर 2, जो मॉडल किसको करती है, फ्लूइड डायनेमिक्स को, कि अगर फ्लूइड चल रहा है उसकी वेलोसिटी मेजर करनी है तो उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन किस फॉर्म में होगी या कैसे बनेगी, ठीक है। अब जब भी आपने मैथमेटिकल रिलेशन डेवलप करना है फ्लूइड का,
तो उसके लिए हमारे पास दो अप्रोचेज होती हैं, ठीक है। नॉर्मली फ्लूड के ऊपर ऑयलेरियन अप्रोच ही लगती है, ठीक है। सॉलिड्स के लिए लैग्रांजियन होती है और ऑयलेरियन के अपना लिक्विड्स फ्लूड्स के लिए ऑयलेरियन होती है। अब जब हम लैग्रांजियन अप्रोच की बात करते हैं कि ठीक है, जब हम लैग्रांजियन लगाएंगे तो उसमें जो मैथमेटिकल रिलेशन होगा वो विद रिस्पेक्ट टू सिंगल वेरिएबल आएगा। मतलब अगर उसमें मैं एक्सेलरेशन की बात करूंगा, अगर मैं उसमें एक्सेलरेशन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं उसमें एक्सेलरेशन की बात करूं तो मैं सिंपल dv/dt लिखूंगा इसको, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि आई एम टॉकिंग अबाउट लैग्रांजियन। अगर मैं आयलेरियन की बात करूं तो मैं आयलेरियन अप्रोच में जब मैं एक्सेलरेशन मैंने लिखना होगा ना फ्लूड के लिए, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, वो मेरा क्या बनेगा, वो बनेगा dv/dt। टोटल जो विलास्टी में चेंज है फ्लूड के लिए वो टाइम प्लस स्पेस दोनों में आएगी, प्लस इसका ये रिलेशन है पार्शियल वी बाई पार्शियल एक्स प्लस वी पार्शियल वी बाई पार्शियल वाई प्लस डब्ल्यू पार्शियल यू बाई पार्शियल वी, ठीक है। तो मुझे इस तरीके से इसको हम कहते हैं टोटल डेरिवेटिव। क्या कहते हैं इसको? टोटल डेरिवेटिव। इसको हम कहते हैं टोटल डेरिवेटिव। टोटल डेरिवेटिव जो होता है हमारे पास, उसमें टाइम प्लस स्पेस दोनों आती हैं। जहां पे ये बड़ा डी लिखा आ रहा है तो आपने अंडरस्टूड है कि बड़ा डी का मतलब है कि वो अपने अंदर टाइम प्लस स्पेस दोनों को कंटेन किए हुए है। तो जब हम आयलेरियन अप्रोच की बात करते हैं तो आयलेरियन अप्रोच में टाइम प्लस स्पेस दो तरह की वेरिएशन आएंगी उसमें, ठीक है। अब जब टाइम प्लस स्पेस की आएंगी तो अब आयलेरियन अप्रोच के भी आगे दो तरह के रिलेशंस बनेंगे, या तो वो पार्शियल की फॉर्म में होंगे या वो इंटीग्रल की फॉर्म में होंगे। अगर वो इंटीग्रल की फॉर्म में होंगे तो इसका मतलब है कि उसने सपोजिशन क्या ली हुई है, कंसिडरेबली लार्ज कंट्रोल वॉल्यूम की। और अगर वो पार्शियल की फॉर्म में है तो इसका क्या मतलब है कि आपने कंट्रोल वॉल्यूम कैसा सपोज किया हुआ है, इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पॉइंट, यानी कि आपने जो कंट्रोल वॉल्यूम सपोज किया हुआ है वो कैसा है, वो इनफाइनाइट एसिमली स्मॉल कंट्रोल वॉल्यूम आप लोगों ने सपोज किया हुआ है, ठीक है। ये टोटल कहानी थी। तो इन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के फ्लूड डायनामिक्स टू करती क्या है, डायनामिक्स फ्लू को मॉडल करती है। यानी कि फ्लूड डायनामिक्स टू क्या करेगी कि जो डायनामिक फ्लो है उसको मॉडल करेगी, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन आपको देगी और वो बताएगी कि ये जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं ये बनेंगी कैसे, ये मैथमेटिकल इक्वेशंस बनेंगी कैसे, ठीक है, वो इसके अंदर बताया जाएगा। तो ये जो टाइटल का वर्ड है, टाइटल का वर्ड है दैट इज डिफरेंशियल एनालिसिस। क्या? डिफरेंशियल एनालिसिस। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशियल कहते हैं स्मॉल स्केल को, डिफरेंशियल किसको कहते हैं, स्मॉल स्केल को डिफरेंशियल कहते हैं, स्मॉल स्केल एनालिसिस ऑफ फ्लूड फ्लो, ठीक है। तो अब मैं बात करूं कि यार मैं पूरी नहर को स्टडी नहीं करना चाह रहा, मैं पूरी नहर को स्टडी नहीं करना चाह रहा, तो मैं उसके जस्ट एक कंट्रोल वॉल्यूम को स्टडी करूंगा और मैं ये सपोज कर लूंगा कि जो बिहेवियर नहर के पानी का इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर आ रहा है ना, वही इसके करीब करीब और अप्रोक्सीमेटली में पानी का आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी रोजमर्रा जिंदगी में एग्जाम्पल लेता हूँ कि फर्ज करो आप कोई खाना वगैरह बनाते हो, ठीक है, ये मेरी पुरानी वीडियोज के अंदर भी यही एग्जाम्पल आपको मिल जाएगी। कोई मतलब जैसे चावल, चावलों की कोई देग है ना, तो हम क्या करते हैं कि चावलों की देग के अंदर हम ये नहीं करते कि पूरी की पूरी देग को खा के चेक करते हैं कि भाई वो गल गई है या नहीं गल गई। हम क्या करते हैं उसका एक कंट्रोल वॉल्यूम अलहदा करते हैं चम्मच की फॉर्म में, हम जस्ट उस चम्मच को स्टडी करते हैं, मतलब चम्मच को खा के देखते हैं कि आया कि वो गला है कि नहीं। अगर वो चम्मच जो वो जो चावल है वो हमारे क्राइटेरिया में पूरे उतर आए तो हम ये सपोज करते हैं कि पूरी की पूरी जो देग है या पूरी की पूरी जो हांडी है वो गल चुकी है, वो तैयार हो चुकी है, ठीक है। तो सिमिलरली कंट्रोल वॉल्यूम का भी यही सूरत हाल होती है कि कंट्रोल वॉल्यूम में हम छोटे से कंट्रोल वॉल्यूम को लेके चेक कर लेते हैं कि आया कि इसके अंदर जो आपका फ्लो है वो कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। जब हम उसको स्टडी कर लेंगे तो फिर हमें पता चलेगा अच्छा आयलेरियन की बात हो रही है। अब देखो हम पहले जब फ्लूड डायनामिक्स भाई बनी नहीं थी ना, फ्लूड डायनामिक्स के रिलेशंस नहीं थे, तो हमारे पास जितने रिलेशंस थे ना वो सारे के सारे थे इन दी फॉर्म ऑफ सॉलिड पार्टिकल, यानी कि वो सॉलिड्स के लिए बने हुए थे सारे के सारे। तो हमारे पास मतलब न्यूटन लॉ ऑफ सेकंड, यानी कि जितने इक्वेशन ऑफ मोशंस थी या न्यूटन लॉ थे, वो सारे के सारे डेरिवेटिव की फॉर्म में थे, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू सिंगल वेरिएबल्स में थे। लेकिन जब हम फ्लूड में आए तो हमारे लिए अप्रोच अपनी अब अपनी चेंज करनी पड़ी, तो हमें लैग्रांजियन से हमें ऑयलेरियन पे आना पड़ा फ्लूड को एनालिसिस करने के लिए।
तो फिर जारी बात है कि जो रिलेशन, यानी कि अगर मैं बात करूं कि एफ इज इक्वल टू एम ए था मेरे पास, एफ इज इक्वल टू एम ए था, एफ इज इक्वल टू एम ए था, तो ये किसके लिए था? दिस इज फॉर सॉलिड पार्टिकल। तो यार फ्लूड के लिए भी तो कोई एफ इज इक्वल टू एम ए होना चाहिए ना, ठीक है? तो फ्लूड के लिए भी तो कोई एफ इज इक्वल टू एम ए होना चाहिए ना। तो वो अप्रोच जो लिंग्रांजियन से ऑयलेरियन में लेके गई हमें, जिसने जो हमारे लॉज थे जो ट्रांसफर किए, वो लॉ, वो कौन सा रिलेशन था? वो था आरटीटी। तो आरटीटी फ्लूड डायनामिक्स की बेस है, फ्लूड डायनामिक्स टू की बेस है। तो उसके लिए आपने वो वीडियो लाजमी देखनी। इसमें मैं प्रूफ नहीं करवाऊंगा, सिर्फ आपको जो दो इंटीग्रल्स हैं वो समझाऊंगा कि वो आए कैसे हैं, ठीक है? तो उसकी फिजिकल अंडरस्टैंडिंग लेनी है रियल लाइफ के साथ। आपको मैथमेटिकल इक्वेशन बोलती हुई नजर आनी चाहिए कि भाई ऐसे नहीं है कि अंधाधुंध ऐसे किसी के साथ इंटीग्रल लगा दिया, किसी के साथ पार्शल लगा दिया, किसी के साथ डी लगा दिया। आपको इन अलामात का पता होना चाहिए कि ये अलामात क्या है, ठीक हो गया? तो हम, मैं बात ये कर रहा था कि जो लॉज ऑफ मोशन थे, जैसे अब मैं बात करूं कि जी एक्सेलरेशन अगर मैं सॉलिड पार्टिकल के अंदर डिफाइन करूं तो मैं सिंपल कैसे कर लूंगा? मैं सिंपल dx बाई dt लिख के आगे चला जाऊंगा, ठीक है? लेकिन जब मैं फ्लूड के लिए आऊंगा तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, पार्शल v बाई पार्शल t प्लस ये सारे का सारा रिलेशन, ठीक है? अनफॉर्चुनेटली इसका प्रूव नहीं कर सके, लेकिन मैं इसके लिए एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 4 का रिलेशन है ये वाला, जो हमने मतलब नहीं पढ़ा हुआ। तो इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना के इसको दे दूंगा, ठीक है? तो अभी आपने यही याद रखना है कि ये एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब ये हो कि एफ इज इक्वल टू एम ए जब हम फ्लूड के ऊपर लगाएंगे तो वो भी तो वेरी करेगा ना, वो भी तो डेफिनेटली एफ इज इक्वल टू एम ए तो नहीं लगेगा फ्लूड के ऊपर। जब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पहले कितना सिंपल फार्मूला था हमारे पास, जस्ट हम डी वी बाई डी टी लिख के जान छुड़ा लेते थे। लेकिन जब हम यानी कि सॉलिड से फ्लूड्स के ऊपर आए तो हमें जान छुड़ानी मुश्किल होगी, हमें उसमें जो चेंजेस है वो स्पेस में भी लेनी पड़ी और टाइम में भी लेनी पड़ी, ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा इसको स्टडी करते हैं। देखें डिफरेंशियल एनालिसिस, ये मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ। इन दिस चैप्टर वी ड्राइव डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फ्लूड फ्लूड मोशन, यानी कि फ्लूड मोशन की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल क्या, स्मॉल स्केल एनालिसिस हमने करना है। पूरी के पूरे हमने चंक को, पूरे के पूरे समंदर को, पूरे पूरे दरिया को हमने स्टडी नहीं करना, हमने जस्ट अपने कंट्रोल वॉल्यूम को स्टडी करना है। तो इस वजह से उसके जो रिलेशंस बनेंगे वो या तो पार्शियल की फॉर्म में होंगे या वो इंटीग्रल की फॉर्म में होंगे। एंड ऑल दीज आर कॉल्ड द डिफरेंशियल एनालिसिस ऑफ फ्लूड मोशन, नेमली। अच्छा, वो जो मेन मेन इक्वेशंस हैं अब वो बताने लगा है। उसमें जो मेन इक्वेशन है वो दो है जो हमने इस सिलेबस के अंदर ड्राइव करनी है फ्लूड के लिए, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मास। अब कंजर्वेशन ऑफ मास आपको याद होगा कि हम सॉलिड्स के ऊपर भी लगाते रहे हैं, ठीक है? अब कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है? और तीसरी कौन सी होती है? कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है? तो ये तीनों की तीनों हमने अप्लाई करने हैं फ्लूड के ऊपर, और उनके लिए हमने अपने मैथमेटिकल रिलेशन डेवलप करने हैं, उनके लिए हमने डिफरेंशियल इक्वेशन डेवलप करनी है। वो चीज हमें फाइंड करके देगी फ्लूड डायनामिक्स टू, और कुछ भी नहीं है फ्लूड डायनामिक्स टू। फ्लूड डायनामिक्स टू सिर्फ क्या है कि आपको डिफरेंशियल एनालिसिस की इक्वेशन बना के देती है, ठीक है? कंजर्वेशन ऑफ मास एंड न्यूटन सेकंड लॉ आ गया ना। अब इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए था, लेकिन जब न्यूटन सेकंड लॉ की फाइनल फॉर्म फ्लूड के केस में आएगी ना, तो वो बन जाएगी नेवियर स्टोक इक्वेशन। क्या बन जाएगी? वो नेवियर स्टोक इक्वेशन। अब वो कहता है कि दीज इक्वेशन अप्लाई टू एवरी पॉइंट इन द फ्लो फील्ड। अब हमारा फ्लो फील्ड क्या है? दैट इज कंट्रोल वॉल्यूम, ना कि वो पूरी की पूरी नहर, ठीक है? तो ओके जी, विद इन द फ्लो एंड दस एनेबल अस टू सॉल्व फॉर ऑल डिटेल ऑफ फ्लो एवरीवेयर इन द फ्लो डोमेन। अब ये फ्लो फील्ड है और ये फ्लो डोमेन है, कि हमें वो एक पॉइंट्स को स्टडी करके हमें पता चल जाएगा कि ओवरऑल वो बिहेवियर कैसे कर रहा है। कहता है अनफॉर्चुनेटली मोस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इनकाउंटर्ड इन फ्लूइड मैकेनिक्स आर वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। अब देखो हमने क्या कहा है कि जो फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए जो इक्वेशंस बनेंगी वो उसमें वो दो तरह की वेरिएशंस अपने अंदर लेके आएंगी। एक तो वो कभी भी डी की फॉर्म में नहीं होगी, वो पार्शियल की फॉर्म में होंगी। पार्शियल जब आएगा तो उसमें मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएंगे, तो वो डिफिकल्ट है सॉल्व, क्योंकि हमें उसमें टाइम प्लस स्पेस दोनों को कंटेन करना पड़ता है।
ऑफन रिक्वायर एड ऑफ कंप्यूटर। तो अब जब हम उन इक्वेशन को, जैसे हम कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए करते हैं या नेवियर स्टोक की इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो वो हम हाथ से सॉल्व नहीं कर सकते, उनको सॉल्व करने के लिए हमें कंप्यूटर की मदद की जरूरत पड़ती है। ऑल्सो दिस इक्वेशन मस्ट बी कम्बाइंड विद नेसेसरी विद एडिशनल इक्वेशन सच एज इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड इक्वेशन ऑफ एनर्जी। ये यहाँ तक नहीं है, ये चैप्टर हमने यहाँ पे नहीं खत्म करना, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्टेट मैं आपको बताऊंगा आगे चल के ये क्या होता है, लेकिन इक्वेशन ऑफ एनर्जी वही वो फाइनल फॉर्म जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करके आएगी। और स्पेशल ट्रांसपोर्ट वी प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग द सेट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फ्लूइड मोशन एंड ऑब्टेन द एनालिटिकल सॉल्यूशन ऑफ सेवरल सिंपल एग्जांपल। वी आल्सो इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ स्ट्रीम फंक्शन, कर्व्स ऑफ कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन, टर्न आउट टू बी स्ट्रीम फंक्शन। ये सारी चीजें हमने इसके अंदर पढ़नी है। तो इन शॉर्ट के चैप्टर नंबर जो 9 है या फ्लूइड डायनेमिक्स 2 का जो स्टार्ट है वो किस चीज को डील करेगा, वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने को डील करेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं ये वाला। यहाँ पे जरा देखे, ये मेरी एक डिश एंटीना है, डिश एंटीना को मैंने स्टडी करना है कि जी इसके ऊपर जो हवा का इम्पैक्ट है वो कैसे आता है। तो अब ये देखिए कि मैंने इसके गेन देख के कंट्रोल वॉल्यूम स्टडी कर लिया, मैंने कहा कि मैं ये यहाँ पे जो एयर है वो कैसे आ रही है मुझे उससे कंसर्न नहीं है। मैं जस्ट इतने इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर स्टडी करूंगा कि जो वेलोसिटी इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर आएगी ना एयर की, मैं सपोज करूंगा कि वो एक्चुअल में वो पीछे से जो आ रही है ना वो उसको सपोज करके आ रही है। तो यहाँ से इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर जितना फ्लो इन हुआ है और जितना आउट हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना इन हुआ है उतना ही आउट हुआ, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मास। और इस ये है आपका फ्लो फील्ड, ये क्या है फ्लो फील्ड, और ये सारा एरिया क्या है, ये आपका फ्लो डायमेंशन है, फ्लो डोमेन है, ठीक है। ये देखें, ये लिखा भी हुआ है उसने, दिस इज कंट्रोल वॉल्यूम, और कंट्रोल वॉल्यूम को उसने क्या कह दिया, फ्लो डोमेन, ठीक है, फ्लो डोमेन। अब यहां से ये इन हुआ और यहां से आउट हुआ, और अब हमने इस फ्लो फील्ड के अंदर, विद इन द फ्लो फील्ड के अंदर हमने ईच एंड एवरी पॉइंट के ऊपर हमने क्या क्या चीज फाइंड करनी है, इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी अगर हमने फाइंड करनी होगी तो हमें इस पूरे के पूरे कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर कितने इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कंट्रोल वॉल्यूम कंसिडर करने पड़ेंगे, इनफिनिटी, ठीक है। अब ये जो एक पॉइंट है ये कितना कंट्रोल वॉल्यूम है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कंट्रोल वॉल्यूम। इस तरह के जब मैं इनफिनिटी पॉइंट कंसिडर करूंगा तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, वो मेरे पास एक फ्लो डोमेन बन जाएगी, वो मेरे पास क्या बन जाएगी, एक फ्लो डोमेन बन जाएगी, ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये हमारी फ्लूइड डायनेमिक्स 2 स्टार्ट हो गई है, ये इंट्रोडक्शन आ गया, ठीक है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मास, बेटा ये 9.1 अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने मेरा वो रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम देख लेना है। अब वो कहता है कि विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम, ये क्या है, ये इक्वेशन जरा अंडरस्टैंड करो, कहता है कि विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम जो है, विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम जो चेंज आएगी, ये यहाँ से यहाँ तक आने के लिए ना आपको मेरी वो वीडियो देखनी पड़ेगी। वीडियो जब आप देख लोगे ना तो उससे पता चलेगा कि ये जो है ना, ये वाली जो चीज़ है, अगर मैं इसको उधर ले जाऊँ, ठीक है, तो मेरे पास ये वाली जो चीज़ है ये हो रही है थ्रू बाउंड्रीज, तो बाउंड्रीज से जितना मास इन हुआ है और जितना आउट हुआ है, इसका मतलब ये है कि उसमें जो चेंज है वो विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर ये कंटेनर है ना, तो कंटेनर में लेट्स सपोज 98 लीटर वाटर था, मैंने 4 लीटर वाटर इसके अंदर इन किया, तो अब ये क्वांटिटी 100 लीटर हो गई और इधर से 2 लीटर जो है वो बाहर निकल गया। तो इसका मतलब कि विद इन कंट्रोल वॉल्यूम जो चेंज आई है वो 2 लीटर की आई है, ठीक है। और अगर मैं 4 - 2 करूं तो मेरे पास आएगा 2, इसका मतलब मास इन माइनस मास आउट इज इक्वल टू विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम। तो ये वाला रिलेशन, ये चीज लिखी हुई है इसमें, ये व्हाट इज डॉट, डॉट का मतलब है डेरिवेटिव, डॉट का मतलब क्या है, डेरिवेटिव। तो इसको आपने अंडरस्टैंड कर लेना है, ठीक हो गया, ये 9.2 होगी। अब सिमिलरली ये जो रिलेशन है डाइवर्जेंस थ्योरम वाला, इसको देखें आप जरा, ये भी वही है, ये भी सेम वही रिलेशन है। इसका मतलब क्या है कि ठीक है, सेम वही रिलेशन है, इसका मतलब ये है कि ये देखो, ये हमारे पास अलोंग द वॉल्यूम आ रहा है, ये हमारे पास अलोंग द वॉल्यूम आ रहा है, और ये हमारे पास एरिया पे आ रहा है, यानी कि थ्रू बाउंड्रीज आ रहा है, ठीक है। तो
गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा के, जो डाइवर्जेंस थ्योरम है वो लगाने के बाद अगर मैं अपनी कॉन्टिन्यूटी को सॉल्व करूंगा तो कॉन्टिन्यूटी मेरे पास कैसे आएगी, पार्शियल रो बाई, यानी कि टाइम में वेरिएशन और स्पेस में वेरिएशंस आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। तो ये कंट्रोल वॉल्यूम के लिए आ गया, तो ये मेरे पास है टाइम प्लस स्पेस। ये याद है ना डेल्टा मतलब क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू पार्शियल रो बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई, आई यूनिट वेक्टर प्लस जे यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब मैंने डेल्टा लिख दिया तो आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेस। तो ये वाली जो चीज है दिस इज स्पेस और ये वाली जो चीज है दिस इज टाइम। अब इक्वेशन नंबर 9.1 से 9.4 के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग किसकी होनी चाहिए, आरटीटी की। आरटीटी की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मैं एक वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगा, तो वो आपने उसको देखना है, ठीक है। तो ये हमारा 9.5 इक्वेशन तक टाइम प्लस स्पेस वेरिएशन। अब देखो इसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन में इसमें इंटीग्रल नहीं है, इसमें सिर्फ पार्शियल है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पार्शियल वाली इक्वेशन के लिए हमारी सपोजिशन क्या होगी, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कंट्रोल वॉल्यूम, जिसकी डेरिवेशन हम अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। तो अगर मैं इस पूरे की पूरी डिस्कशन को समराइज करूं तो समराइज में का मतलब ये है कि फ्लूड डायनेमिक्स टू हमने उन इक्वेशंस को पढ़ना है जो इनको मॉडल करती हैं। नंबर वन वो या तो पार्शियल की फॉर्म में होगी या वो इंटीग्रल की फॉर्म में होगी। नंबर टू जब वो पार्शियल की फॉर्म में होगी तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो कंट्रोल वॉल्यूम है वो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है, ठीक है। और अगर वो इंटीग्रल की फॉर्म में है तो हम कहेंगे वो कंसिडरेबली लार्ज है। तो अगर किसी मैथमेटिकल रिलेशन में टाइम प्लस स्पेस वेरिएशन आ रही है तो हम कहेंगे कि वो आइलेरियन अप्रोच के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ लग गई होंगी। अब आपने नेक्स्ट लेक्चर से पहले 9.5 तक ये इक्वेशंस क्लियर करनी है। अगर आपको नहीं समझ लगती तो आपने मुझे बताना है, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर क्यूरीज वाई मेकिंग द सेपरेट वीडियोस। तो आप लोग इन चीज़ों को हैंडल करो, इन चीज़ों को पढ़ो और मुझे बताओ, ठीक है। और अभी सरे दस्त अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो ही कैन आस्क मी ए क्वेश्चन जस्ट फॉर 4 or 2 or 3 minutes, वी आर रेडी टू, ठीक है फिजान, जजाकल्ला। और अगर किसी का हो तो यू हैव जस्ट 1 minutes, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा कोई लेंथी चीज़ नहीं थी, सिर्फ ये कि जो पुराने कॉन्सेप्ट थे जैसे लेग्रांजियन और आयलेरियन उनको थोड़ा सा क्लियर करते हुए थोड़ा सा टाइम लगा है, अदरवाइज 9.5 तक। हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल वकार, ये 4 और 5 के टॉपिक हैं। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि भाई 4 और 5 के अंदर हमने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा, सिर्फ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा बेटा कि ईच एंड एवरी थिंग के वंस अगेन मेरी कमिटमेंट यही है कि आपने किसी चीज़ को रट्टा नहीं लगाना। अगर आपको एक डॉट की भी समझ नहीं लगती ना कि ये यहाँ पे लगा क्यों, मैंने अपनी तरफ से बड़ी ट्राई की है कि जस्ट 5 इक्वेशंस को मैं पहले लेके चलूँ, कि आपको पहले कहानी बताऊँ कि हम इस पूरे सिलेबस में हमने करना क्या है। बेसिकली इस पूरे सिलेबस में हमने इक्वेशंस बनानी है, वो भी 3 बल्कि 2, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब है नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। हाँ मैं रिकॉर्डिंग तैयार रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो हमने कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए हमें कंटिन्यूटी इक्वेशन ड्राइव करनी पड़ेगी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए हमें नेवियर स्टोक्स इक्वेशन ड्राइव करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को लेके चलेंगे। तो आई होप के ऑल हैव क्लियर द पॉइंट्स। अब मुझे अटेंडेंस दे दो फटाफट, अब मैं आप लोगों को अलाउ कर रहा हूँ और इसको ना शेयर स्टॉप करके ना, अभी मेरे पास सिर्फ 56 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। तो अगर 56 से ज़्यादा की हुई ना अटेंडेंस, जी बेटा अभी सारे लोग अपना जो है वो एट अ टाइम जो है वो अपना माइक अनम्यूट कर लें। यस सारे लोग अपना माइक अनम्यूट कर लो ताकि टाइम सर, यस पे काम करना सर, खत्म होने में कुछ यस सर, ओके यस सर, यस सर, यस सर।
जी बेटा रोल नंबर वन। यस सर। सर रोल नंबर वन बेटा रजिस्ट्रेशन नंबर बेटा एक ही बात है। रोल नंबर वन कौन है बेटा? यस सर।